नमस्कार दोस्तों, हम फिर आ गए हैं। हम यहाँ देखेंगे सारा का सारा वीडियो अपन ने यहाँ पर बनाया हुआ है, और थोड़े से हम 1857 क्रांति के कारण पढ़ेंगे आज। क्या हैं 1857 के अंदर क्रांति के जो कारण हैं उसके बारे में जानेंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 1857 क्रांति के पूरे भारत पर अधिकार हो जाता है, संकट काल शुरू हो जाता है भारत के लिए। यहाँ पर संकट काल कैसे, क्योंकि 1857 की क्रांति हो गई है। अब कारणों के बारे में जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर कैसे राज किया, कैसे शासन किया, वो अपन जानेंगे। तो सबसे पहला कारण है लाल किला खाली कर दो, यानी किसको आदेश दिया गया, बहादुर शाह को, यानी दिल्ली का जो राजा था मुगल बादशाह, उसमें जफर था, जाफर, बहादुर शाह जफर, ये इसको क्या किया कि तुम अब दिल्ली खाली कर दो, राजगद्दी खाली कर दो। देखो मान सम्मान की बात है, तो यहाँ की जनता ने क्या किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए तो लॉर्ड डलहौजी था उस टाइम। दूसरा कारण देखो, छोटे साहिबजादे को राजा बनाया गया जबरन, यानी छोटा साहिबजादा था इनका, इनको जबरन इनको भेज दिया गया और मेहरौली पर अधिक रहने पर मजबूर किया गया। किसको किसको, यानी इन्हीं को, बहादुर शाह को, मेहरौली, मेहरौली पे क्या की गया, इनको जबरदस्ती कहा गया कि तुम यहाँ पर रहो, यानी मेहरौली में है। लोहे स्तंभ कहाँ पर स्थित है, मेहरौली में, मेहरौली में लोहा स्तंभ, लोहा स्तंभ किसने बनवाया था, कहते हैं शेरशाह सूरी का नाम आता है यहाँ पर, अपन यह कह सकते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा, डलहौजी की हड़प नीति ने जनता को परेशान किया, वेलेजली की बलपूर्वक सहायक संधि ने जनता को परेशान किया। डलहौजी द्वारा गोद निषेध है, उसको अडोप नहीं कर सकते, अगर आपके कोई पुत्र नहीं था, राजा के कोई पुत्र नहीं होता था तो उसको अडोप नहीं करते, वो डायरेक्ट क्या अंग्रेजी कंपनी उसका अधिकार कर लेगी। 1848 में सतारा जो पंजाब में है, 1859 संबलपुर पर अधिकार कर लिया इसने, 1853 में नागपुर है, 1849 में जेतपुर है, 1850 बालाघाट है, 1854 में झांसी है, 1856 में अवध है। पदमुक्त करना शासकों द्वारा, यानी कहने का मतलब सभी शासकों को क्या कर दिया यहाँ पर, पदमुक्त कर दिया, यानी उनके राजपाट हैं वो ले लिए। कहने का मतलब इनाम आयोग था, जो 35,000 जो जागीरें मिली थी उसको भी अंग्रेज़ों द्वारा क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया। यहाँ देखिएगा, इसमें 20,000 जागीरें वापस इसने अंग्रेज़ों ने ले ली। क्या कितनी जागीरें ले ली थी, 20,000 जागीरें इन्होंने अंग्रेज़ों ने छीन ली। फिर आता है मंगल्स का कथन, मंगल्स क्या कहते हैं इस पे गौर कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मंगल्स कौन है, पहले तो ये देखेंगे ये मंगल्स कौन है। एक राइटर हैं, अंग्रेजी राइटर हैं, ये अंग्रेजी राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, ये इंग्लिश राइटर कह सकते हैं इनको, राइटर हैं, ठीक है, इंग्लिश राइटर हैं। परमात्मा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को इसलिए सौंपा है ताकि हिंदुस्तान में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का विजय स्तंभ पहराए पहराने लगे। ईसा मसीह मरियम, और इसमें यीशु के जो पुत्र थे ये, तभी से अपन का टाइमिंग शुरू होता है। मैंने पीछे टाइमिंग के बारे, ईसा मसीह के बाद वाली जो घटनाएं होती हैं वो एनोमी यानी एडी में कहलाएंगी, ईसा मसीह के पहले की जो घटना है 0 से लेके वो बीसी में कहलाएंगी। बस इतना सा फर्क आप देखिएगा आगे। इसी के हिंदू व मुस्लिम के लिए क्या है, ईसा मसीह के लिए हिंदू और मुस्लिम के लिए कठोरता का नियम था बनाया गया, कठोरता के साथ, यानी अंग्रेजों के द्वारा जनता को परेशान किया गया तो असंतोष पैदा हो गया, यानी हर व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, बाकी ईर्ष्या की क्या हो गई, भावना पैदा हो गई, किसके प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति, इंग्लैंड के प्रति, इसके प्रति, इन सब के प्रति क्या ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई, ठीक है। आगे देखिए मिशनरी, यहाँ देखिए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हो गया, आगे देखिए, धर्म के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम के जो धर्म था वो धार्मिक ठेस पहुंच रही थी, क्योंकि उनको क्या कर दिया, कारतूसों, अपने कानों में कुंडल नहीं पहनेंगे, हिंदू धर्म का देखो,
लंबे बाल नहीं रखेंगे, कानों में कुंडल नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। कौन कौन सी परंपराएं थी आप देखिएगा, यहाँ पे तिलक वाली परंपरा है, तिलक नहीं लगाना है, कुंडल नहीं पहनना है ना, मंत्र उच्चारण नहीं करना है, ऐसी कुछ प्रथाएं थी। ईसा व ईसा प्रचारक भेजे गए, ईसाई मिशनरी भेजी गई भारत में 1813 में चार्टर तक। पादरियों द्वारा प्रचार प्रसार किया गया, पादरी थे है ना, इसी प्रकार से हम प्रसार शुरू हुआ जबरन। और मिशनरी विद्यालयों में इसमें पश्चिमी संस्कृति धार्मिक शिक्षा व गौर गैर धार्मिक शिक्षण किया जाने लगा, यानी शुरुआत हो गई। ये सभी शुरुआत माँ प्रारंभ, तो जनता में क्या हो गया, विद्रोह हो गया, जनता नाखुश हो गई। तो जनता खुश नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल भी जनता क्या नहीं थी यहाँ पर, खुश नहीं थी। हिंदू मुस्लिम खड़े हो गए एक साथ और धर्म को क्या है चोट पहुँचाने लगे। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, खड़े हो गए। और तीर्थ यात्रा कर लगाना, यानी तीर्थ या मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना जाना बहुत ही क्या था, इम्पोर्टेंट था। मक्का और मदीना एक बार, मैं दीना एक बार तो सऊदी अरब में ही है, एक बार तो मुस्लिम को जाना ही जाना पड़ता था, हज यात्रा जिसे हम कहते हैं, हज पे जा रहा हूँ भाई। धर्म यात्रियों से लेना और धार्मिक व बाल विवाह धर्म से संबंधित है। तीर्थ यात्रा कर जाना अकबर द्वारा भी लागू किया गया था, मुगल सम्राट है उसके द्वारा। बाल विवाह प्रतिबंध लगाना बहुत अच्छी बात है, चाइल्ड मैरिज, ये तो बहुत ही अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बहुत अच्छा किया था। बाल विवाह आज भी हो रहे हैं, देवठनी 11 पे होते हैं, देव उठनी, देवठनी 11, 11 पर होते हैं, आप देखिएगा। इसी के साथ बाल विवाह भी का प्रतिबंध लगाया गया। और 1853 में भारत का प्रथम रेल चलन बांदीकुई से आगरा तक चली गई। इसी के साथ भारत में देखिए यहाँ पर फोर्ट इंडियाज आर नॉट अलाउड, यानी यहाँ पर जो रेल चली थी उसमें लिखा गया था 1853 में, यानी 16 अप्रैल को ये रेल चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में, यानी बांदीकुई से आगरा तक। फर्स्ट रेंज के रेंज होती थी, जो फर्स्ट जो डिब्बा होता था उसमें इंडियाज आर नॉट अलाउड, भारतीय अनुमति यानी आने के लिए यहाँ पर प्रवेश नहीं है उनके लिए, वो नहीं आ सकते हैं। सामाजिक कारण भेदभाव करने, होटल क्लबों में भारतीयों व कुत्तों का वर्जित नहीं है, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ था। विधवाओं का पुनः विवाह करवाने लग गई है, विधवा जो औरत होती थी इंडियंस, उनका पुनर्विवाह आयोग आया। बाल विवाह है, सती प्रथा है। 1829 में राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे, ये समाज क्या थे, ये समाज सुधारक थे, ये बहुत अच्छे थे। इनकी जो भाभी थी वो सती हो गई थी, सती हो गई थी कौन, भाभी। इसी के बाद में इन्होंने क्या किया था, कदम उठाया कि अब कोई भी नारी सती नहीं होगी। तो 1829 में क्या हो गया, सती प्रथा कानून बना दिया गया। उस टाइम गवर्नर कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है। आगे देखिए अगली वाला पॉइंट अपने पास। इसी के साथ अपन देखें तो यहाँ पर देखिएगा सभी, 1857 की क्रांति, कच्चा माल का सस्ता करना व खरीदना, इन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने क्या कर दिया, जो माल था वो कच्चा माल का उसने क्या कर दिया, सस्ता कर दिया। वह खरीदना, खरीदते थे सस्ता हो जाना, और ख़रीद कर वो उसको कहाँ ले जाते थे, इंग्लैंड ले जाते थे, वहाँ पे वस्तुएं बनाते थे। एक 10 रुपए की वस्तु यहाँ भारत में आती आती वो 150 रुपए की वस्तु हो जाती है, ध्यान रखिएगा आप, वो 150 रुपए की वस्तु हो जाती है। और फिर आप देखिएगा 1853 में, वो सॉरी 1813 से 1833 में भारत का आर्थिक शोषण, अंग्रेज़ों को मुक्त व्यापार मिल गया, भारतीय धन का निष्कासन हो गया, कुटीर उद्योग को नष्ट करना, हथकरघा हैं इनको भी क्या कर दिया, इन्होंने नष्ट कर दिया, जो भारतीयों को कम मूल्य से वस्त्र बेचना, इन्हें कम मूल्य पर वो हथकरघा वाले बेचते थे। चारों तरफ महंगाई, भुखमरी, बेरोजगारी छाई हुई थी, स्थायी भूमि
बंदोबस्ती, रैयतवाड़ी, मालवाड़ी पर अंग्रेजी सरकार लगान की तीव्र थी। इन तीनों पर क्या कहें, स्थाई बंदोबस्ती थी, यानी गांव जो जमींदार थे उनके ऊपर वो बंदोबस्ती थे, रैयतवाड़ी थी किसानों के ऊपर, मालवाड़ी गांव वालों के ऊपर, ये गांव वाले थे, ये किसान थे, ये देखिए किसान थे, स्थाई बंदो जो जमींदार थे, जो बड़े बूढ़े थे, जो पैसे वाले थे उनके ऊपर थी। इसी के साथ वेतन में भेदभाव होना, यानी अंग्रेज व भारतीय सैनिकों के मध्य खान पान होता था ना, खाने पाना, भोज्य सामग्री में भेदभाव होना, वो तो अच्छा खाना खाते थे, यहाँ पर खाना गलत यानी सूखा खाना दिया करते थे, सूखा व यहाँ स्वादिष्ट डिष्ट खाना खाया करते थे, यहाँ सूखा खाना देते थे, ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ था। क्रांति का बहुत बड़ा कारण है, आप देखिए डाक अधिनियम है 1854 में, पत्र व्यवहार यहाँ पर रोक दिया गया 1854 में। क्या अंग्रेज़ों ने अपने सैनिक टुकड़ियों में जो भारतीय सैनिक थे उनके बीच में जो पत्र व्यवहार होता था उनको रोक दिया गया। समुद्र पार युद्ध हेतु भेजा जाना जो भारत धर्म के विरुद्ध समझे जाने लगे थे, इसलिए कि वहाँ चले जाओ तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ऐसा। अवध को कुशासन में हड़प लिया 1856 में लॉर्ड कैनिन, और 1856 में लॉर्ड कैनिन ने लॉर्ड डलहौजी बाद प्रथम लॉर्ड कैनिन बना सेकेंड भारतीय गवर्नर। सेकेंड भारतीय गवर्नर कौन बना था, यही बना था, कौन बना था, ये देखिए यहाँ पर गवर्नर, ये देखिए सेकेंड गवर्नर। इसके बाद में कैनिन के समय ही 1857 की क्रांति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1857 की जो क्रांति हो कैनिन काल में, कैनिन काल में 1857 की जो क्रांति है वो कैनिन के काल में ही होती है। आगे देखिएगा यहाँ पे क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या था, कि एनफील्ड नाम की यहाँ पर राइफल हुआ करती थी, और उनके स्थान पर ये स्थान एनफील्ड जो राइफल थी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। वो तीन प्रशिक्षण जो टुकड़ियों में टुकड़ी जो सैनिक टुकड़े होते थे भारतीय थे वहाँ पर धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, डमडम था एक स्थान तो ये था, एक अंबाला था, एक शालकोट था, ये तीनों क्या थे, प्रशिक्षण के केंद्र बने हुए थे। क्या बने हुए थे, तीनों के तीनों, यानी भारतीय जो सैनिक टुकड़ियाँ बनाई जाती थी उनके लिए, भारतीयों के लिए, अंग्रेज लोग बनाते थे सारे के सारे, और केंद्र थे ये, क्या थे, तीनों के तीनों क्या थे, ये केंद्र थे। कारतूस पर गाय व सुअर से चर्बी युक्त वाले जो कारण, वो चर्बी युक्त वाले जो चिकना पदार्थ लगाया जाता वो गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी ना उसका था, किसका था, गाय व सुअर, क्योंकि गाय हिंदू धर्म के लिए है और सुअर क्या है, मुस्लिम धर्म को पवित्र मानने के लिए माना जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा यहाँ पर तात्कालिक कारण माना जाता है, सबसे पहला कारण यानी बुलीची हथियार रखने का स्थान, बुलीची हथियार रखने का स्थान था यहाँ पर। इसी बात जैन और 1857 में फर्स्ट बाद फरवरी में 1857 में बहारपुर में सेकंड विद्रोह हुआ, कहाँ पर सेकंड विद्रोह होता है, बहारपुर, ये दूसरा स्थान है यहाँ पर, ये बहारपुर है, फरवरी में होता है ये, कौन से स्थान पर, बहारपुर में। इसके बाद में 29 मार्च को बैरकपुर छावनी होती है, जहाँ का कौन होता है, मंगल पांडे, इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। यानी जनवरी के महीने में क्या होता है, पहला विद्रोह हो जाता है, डमडम, अम्बाला और सियालकोट, ये तीन स्थान होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, विद्रोह प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना, विद्रोह प्रारंभ हो गया। इसके बाद में बहारपुर में हुआ, बहारपुर की में विद्रोह होने पर 29 मार्च आ जाती है, 23 मार्च को क्या, भगत सिंह को फांसी दी गई थी। तो एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, यहाँ पर लगा दिए। 34वीं इन्फेंट्री जो टुकड़ी थी उसमें एक सैनिक हुआ करता था मंगल पांडे, अफवाह फैल गई सैनिकों में कि मंगल पांडे तो ना ब्राह्मण है, ऐसी कुछ कथाएं हैं, तो ब्रह इसको अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा तो आगे देखिए मंगल पांडे की पूरी कहानी अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूरी कहानी पढ़ते हैं मंगल पांडे की। आगे देखिएगा ये आ गए साहब मंगल पांडे, मंगल पांडे की कहानी अपन पढ़ते हैं।
मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को, 29 जुलाई 1827 को इसका क्या होता है, जन्म होता है। इसकी कुंडली पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा मंगल पांडे की। नागवा ग्राम था, बलिया नामक यूपी में, बलिया नामक स्थान है, नागवा गांव है, इसी में, इसी के साथ 1849 में 34 में नीन फैक्ट्री में ज्वाइन हुआ। ये ज्वाइनिंग ले ली इन्होंने और सफाई कर्मचारी ने कटाक्ष किया मंगल पांडे पर धर्म को लेकर, कि तुम धर्म ब्राह्मण हो और तुम रोज रोज क्या करते हो, गाय और सुअर वाले कारतूसों का क्या करती हो, तुम प्रयोग करते हो और अपने आप को ब्राह्मण कहते हो। राइफिल नाम थी, राइफिल कौन थी, राइफिल तो चलाई, परंतु अंग्रेज बोला राइफिल चलाओ, लेकिन राइफिल तो उसने चलाई यानी, लेकिन लेफ्टिनेंट बाघ, लेफ्टिनेंट बाघ था, कौन था, लेफ्टिनेंट था वो बाघ था, उसके ऊपर गोली इसने क्या कर दी, चला दी साहब। अब चला दी तो चला दी, इसी के साथ चलाने के साथ में आगे देखिए, जनरल फ्यूर्सन पर भी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, मारे गए, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, मारे गए 1857 के 29 मार्च को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में ही। बैरकपुर, बैरकपुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर क्रांति का सूत्रपात होता है, क्रांति की शुरुआत होती है। पहले तो वह ना जनवरी में लगी थी, कुछ नहीं, फरवरी में भी हुआ बहारपुर में, कुछ नहीं हुआ। फिर 29 मार्च को जब इसके ऊपर धार्मिक संकट आने लग गया, तो 29 मार्च को क्या 1857 को ये क्रांति शुरू होती है। लेकिन इसको बाद में 8 अप्रैल को क्या है, इनको फांसी पर, बाद में एक जोरी बैठती है, जोरी यानी सभा व अदालत बैठती है, इसको 8 अप्रैल को क्या है, मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, मृत्युदंड दे दिया जाता है। इसके बाद में, बाद में अपदस्थ सैनिक या सैनिकों व जनप्रतिनिधियों को 31 मई 1857 का दिन तय किया। वेरी गुड, ये लो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है, यानी वो कौन सा दिन था कि पूरे भारत में अब क्या होगी, क्रांति हुई, जनता के लिए व सैनिकों के लिए क्रांति का प्रतीक चिन्ह तैयार किया गया, यानी जनता के लिए जन रोटी थी और सैनिकों के लिए कमल का फूल था, कि किसी भी सैनिक को अपन क्या कमल का फूल आराम से दे सकते हैं, है कि नहीं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, और जनता को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, दोनों के दोनों प्रतीक चिन्ह बनाए गए। आगे देखिए, मेरठ छावनी में, मेरठ छावनी है यूपी में, ठीक है, यहाँ पर छावनी, इस छावनी से सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई। चर्बी का कारतूस का प्रयोग इनकार कर देना, मेरठ छावनी में क्या कर दिया, यहाँ पर, यानी कि बैरकपुर छावनी में तो क्या है, मंगल पांडे ने की थी, और मंगल पांडे के बाद में मेरठ छावनी मानी जाती है यूपी में, यहाँ पर 10 मई को क्या है, क्रांति की शुरुआत हो जाती है सुबह सुबह। इसके बाद में सुबह ही दिल्ली की ओर कुछ करने लग जाते हैं। यहाँ पर देखो 10 मई को यहाँ शुरुआत हुई मेरठ में, और 11 मई के बाद में दिल्ली आ गए। 11 मई को क्या है, आ गए। इस छावनी के सैनिकों ने क्या कर लिया, बाद शस्त्र अगार लूटा, और लूटने के बाद में बहादुर शाह अफर जफरदित्य मुगल बख्त खान, यानी इसका जो सैनिक था बख्त खान, उसको यहाँ से छुड़ा लिया, और बहादुर शाह को सेनापति, बहादुर शाह का सेनापति सुबह सुबह दिल्ली की ओर कुछ करने लगा। क्रांति की वहाँ पर शुरुआत हो जाती है। आगे देखिए, ये यहाँ पर पीछे दे रखा है, आप टेंशन नहीं लेने का कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा सा देख लीजिए, मैनेज कीजिएगा, ठीक है। ये देखिएगा यहाँ पर दिल्ली, ठीक है, कुछ करने लगे दिल्ली के ऊपर, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, रीडिंग मार रहे हैं अपन और कुछ नहीं है, बनाए हुए नोट्स हैं उसके रीडिंग मार रहे हैं। इसके बाद में अपन यहाँ देखें तो 1857 की जो क्रांति है, उसमें क्रांति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसमें देखते हैं अपन। 1857 क्रांति का आगाज आगे की ओर बढ़ने लगा, और बख्त खान के नेतृत्व, बख्त खान कौन था, बहादुर शाह का सेनापति, बहादुर शाह जाफर दिल्ली का राजा का सेनापति था ये, ठीक है। आगे देखिएगा, 34वीं नेपटीन्स रेजिडेंट मेड रेजिमेंट द्वारा बंदूकों में गोली भरने से मना कर देना, तभी गिरफ्तारी का अंग्रेजों द्वारा आदेश जारी किया गया, और 85 क्रांतियों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु पूरी मेरठ छावनी के सदस्यों को गिरफ्तारी का आदेश से पूर्व 10 मई में मेरठ के
शस्त्रागार को लूट लिया। 10 मई को शस्त्रागार को क्या कह रहे हैं, लूट लिया। और 10 के बाद में दिल्ली की ओर कुछ करने लगे, दिल्ली की ओर कुछ किया और उसके उसके बेगम बादशाह से बदसूली करने वह ताज छीन लिया। तभी मेरठ छावनी के लोग दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली और नारा लगा, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ऐसा कुछ दिल नारा लगाया गया। ठीक है, आइए देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है अपना 1857 की क्रांति का, तो अब देखिएगा। यानी दिल्ली चलो मारो फिरंगी, मेरठ छावनी से ये संदेश यहाँ के मेरठ छावनियों की छावनी के सैनिकों द्वारा कहा गया था। दिल्ली के बाद में मेरठ चले थे और 10 मई को, 10 मई से और 11 मई में दिल्ली पहुँचे थे। 10 मई को मेरठ से चले थे, 11 मई को दिल्ली पहुँच गए। और दिल्ली में देखो यहाँ पर नाना साहब हैं, क्रांति का नियोजन करता कौन कौन इसमें नायकों की भूमिका निभा रहे हैं, ये देखो पीछे हमने पॉइंट पढ़ा था नायकों की भूमिका, यहाँ लिख देते हैं नायकों की भूमिका। भूमिका के कौन कौन है, तो प्रमुख नायक हैं यहाँ पे देखिए, नाना साहब हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिया पुत्र था, तांते टोपे हैं, इसने डालोजी द्वारा पेंशन से वंचित कर देना, तो नाना साहब को पेंशन से वंचित कर दिया, गोद निषेध प्रथा के तहत अवध व 1856 में। इसी के बाद में देखो तांते टोपे हैं कानपुर से, ये नाना साहब के सेनापति थे, तांते टोपे क्या थे, कानपुर से थे ये। अजीमुल्ला खान थे, ये देखिए ये अजीमुल्ला क्रांति का प्रतीक चिन्ह, यहाँ पे देखिए क्रांति का प्रतीक चिन्ह, रोटी व कमल का फूल व तिथि कौन सी, 31 मई, प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं आप ये देखिएगा यहाँ पर। यहाँ पर प्रमुख केंद्र है दिल्ली है, बरेली है, कानपुर है, लखनऊ है, झांसी है, असम है, पटना है, इलाहाबाद है, ऐसा कुछ क्रांति के चिन्ह यहाँ पर वो स्थान बताए गए हैं। तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई झांसी, गंगाधर की पत्नी थी ये, कौन थी, गंगाधर इनकी पति का नाम था। ठीक है, और हीरोज ने इसको एकमात्र शेर कहा था। दिल्ली में देखो, दिल्ली में नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे, बहादुर शाह जफर था, ये दिल्ली में नेतृत्व कर रहा, वास्तविक बख्त खान इसका सेनापति था, वो कर रहा था। ठीक है, आप देख लीजिएगा, दमन करता 21 सितंबर 1857 को निकोलसन विलियम हंडसन द्वारा इसको क्या है, इसने मारा गया, घायल हो गया है इसमें, और 11 मई बाद अधिकार हो गया, फिर से दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। इलाहाबाद में 6 जून को और लियाकत अली सफी खान मेवाती इसके द्वारा, और 4 इसमें दे रखा है, 4 तारीख को इसने, 18 तारीख को, 4 से लेकर 18 के बीच में कर्नल नील द्वारा क्या किया गया, इसको दबा दिया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बरेली है, ये कल अपन पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा लिख के पढ़ेंगे इनको चीज़ के। ठीक है, सभी भाई बंधुओं से निवेदन है वीडियो को शेयर करें, 7737619499। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पर।